हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को के बारे में आज बताएंगे इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, इस टाइप का कलर चेंज होकर प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसमें हमारा सिर्फ सर्विस मोड भी प्रॉब्लम, कभी कभार एग्जस्ट करते समय भी इस टाइप का हो जाता है, जो किसी उल्टा सीधा में जाने के बाद आपका इस प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको सही कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो कभी कभार इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है आपका टीवी में भी। तो इसको हटाने के लिए पहले तो हमको यहाँ पर से पावर को ऑफ करना पड़ेगा, जो मैंने पावर को ऑफ कर दिया। तो अभी ही आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जो इसका पावर स्विच है इसको दबा लीजिए, पहले यहाँ पर दबा के रखिए, पावर स्विच को पुश करके रख दीजिए इस तरह से, यहाँ पर पुश करके पावर स्विच को दबाना है। ये आपका ये वाला पावर है हमारा, ठीक है। तो इसको हम दबाएंगे, दबा के रखेंगे जितने टाइम हमारा पावर मतलब सही नहीं हो जाता। ये आपको ये स्विच दबाते समय आपको ध्यान रखना है, आपका पावर स्विच अच्छा होना चाहिए। अगर पावर स्विच ये खराब है तो आपका नहीं होगा काम, ठीक है। तो हम इसको पुश करने के बाद पावर देंगे इस पर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर दबा लेते हैं, पावर भी देंगे एक साथ में। तो हम यहाँ पर पुश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दबा के रखा हूँ, अभी इस स्विच को मैंने दबा के रखा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार ऑन हुआ है यहाँ पर, लेकिन वापस ये ऑफ हो गया। तब भी आपको ये स्विच को दबा के रखना है जितना टाइम अभी ये टीवी ऑन नहीं होता है, लगभग आपका एक से दो मिनट तक भी लग सकता है समय। तो जितना टाइम अभी ये पावर ऑन नहीं होता है उतना टाइम इसको दबा के रखना है आपको, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपका इतना टाइम हो गया ऑन नहीं हो रहा है, आप लगभग 5-6 मिनट तक भी दबा के रख सकते हैं, लेकिन हमारा इतना टाइम नहीं लेता है, पहले ही ये सही हो जाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं आता है, इसमें आपका सिर्फ जो हमारा सेटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, सर्विस मोड का, तो वहाँ पर ही हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, अर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक देख सकते हैं ये ऑन नहीं हुआ, जब ऑन होगा आपको देख लेंगे यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ये ऑन नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, दिखाएंगे आप लोग, लाइक देखते रहिए। ये ऑटोमेटिक ही ऑन होगा जब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अंदर से सेटिंग। तो मैंने अभी दबा के रखा हूँ यहाँ पर, आपको पकड़ने में अगर दिक्कत आता है तो अच्छे से पकड़ लीजिए पहले से ही, तो ये सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देख सकते हैं अभी ग्रीन हो चुका है दोस्तों, अभी अभी मैं इसको पावर छोड़ सकता हूँ, हाथ मैं आपको छोड़ दूंगा। ये देख सकते हैं हमारा टीवी ऑलरेडी अभी ओके हो चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, देख सकते हैं नो सिग्नल आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस पे इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपका टीवी में आए तो आप सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी ओके हो चुका है, अभी हमारा यहाँ पर रिमोट दबाएंगे तो यहाँ पर पुलियम आता है, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह का अगर प्रॉब्लम आए तो आप लोग खुद ही पावर स्विच दबा के रख के ऑन कर सकते हैं, लगभग आपका 3 मिनट समय ले सकता है अगर टाइम लगता है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा ये 24 इंची का टीवी है,